मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, इम्फाल पश्चिम और पूर्व में तनावपूर्ण स्थिति, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू, सीएम आवास और राजभवन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों में जांच एनआईए करेगी, गृह मंत्रालय ने हाल में ही जांच के लिए पुलिस से लेकर एनआईए को सौंपा था केस। मणिपुर में नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी का गठबंधन टूटा, एनपीपी ने बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया। मुंबई में उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले महाराष्ट्र को गुलाम बनाने की हो रही है कोशिश, ये मेरी लड़ाई नहीं महाराष्ट्र के अस्तित्व का सवाल है। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की जनता से अपील, तानाशाही के खिलाफ करें वोट, एमबीए की बनाए सरकार। झारखंड के देवघर में हेमंत सोरेन का बयान, सत्ता के लिए झूठे वादे कर रही है कांग्रेस, आपको सतर्क रहने की जरूरत। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बयान, सत्ता के लिए समाज को बांटने में लगी बीजेपी। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड की जांच तेज, झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंची जांच की टीम, सरकार को 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी जांच की टीम। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सेफ का मतलब देश को घुसपैठियों से सुरक्षित रखना। संबित पात्रा का कांग्रेस पर शायराना तंज, कहा राहुल गांधी छोटा पोपट, कांग्रेस को किया चौपट। मणिपुर मुद्दे पर संबित पात्रा का बयान, संवेदनशील मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, हर स्थिति पर सरकार की पैनी नजर। पीएम मोदी नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे, रियो डी जेनेरियो के एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। रियो डी जेनेरियो में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया, होटल के बाहर लगाए मोदी मोदी के नारे। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़, चेकिंग के लिए पुलिस ने रोकी थी बाइक, बदमाशों पर था 25,000 रुपए का इनाम। नोएडा में एडीसीपी मनीष मिश्रा ने कहा बाइक सवार बदमाश शातिर चोर दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज, 1,35,000 कैश और 80 लाख से ज्यादा के आभूषण बरामद। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू। दिल्ली की सीएम आतिशी ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लास स्कूलों में चलेंगी।